أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں exercise 12.4 لے کے exercise 12.4 کو start کرنے سے پہلے ذرا اس کا تھوڑا سا introduction میں دیتا چلوں exercise 12.4 بیٹا basically oblique triangle کے اوپر لا کرتی ہے base کرتی ہے oblique triangle کیا ہوتی ہے ایسی triangle जिसका एंगल अदर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा जितने भी हों वो ओब्लिक ट्राइंगल कहलाते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा द लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस क्या होता है बेटा। जैसा कि मैंने 12.12 चैप्टर में एक ही बार बात बार बार फोकस कर रहा हूं कि इसको हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? हमने ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए बेटा इसके अंदर तीन साइड्स, तीन एंगल्स होते हैं, टोटल छह चीजें। हमने हमेशा छह चीजें पूरी करनी, चाहे वो एक्सरसाइज 12.2 जैसे हम लोगों ने की राइट ट्राइंगल थी उसमें भी छह चीजें पूरी की, आज 12.4 हम लोग कर रहे हैं इसमें भी हम लोग छह चीजें पूरी करेंगे। तीन हमें वो गिवन देगा, बाकी छह हम लोग जो बाकी तीन जो है वो हम लोग इसको पूरा करेंगे। जी लॉ ऑफ साइंस क्या है, मैं उसको लिखने जा रहा हूं आपके सामने। लॉ ऑफ साइंस है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, हर साइड प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी उसकी निस्बत के साथ चलती है। तीन दो इक्वल के साइन है बेटा, दो नहीं यूज करूंगा, हमेशा एक यूज किया करूंगा, हमेशा एक यूज किया करूंगा। ये कहां पे यूज होगा बेटा? इस एक्सरसाइज की निशानी है, इस एक्सरसाइज की पहचान क्या है? अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है राइट ट्राइंगल नहीं है तो आ जाता है तो हम कैसे पहचान करेंगे बेटा? टू एंगल्स एंड वन साइड आर गिवन। जब बेटे आपको दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो तब आपने यूज करना है लॉ ऑफ टेंजेंट, सॉरी लॉ ऑफ साइंस। क्या यूज करना है? लॉ ऑफ साइंस। जी बेटे इसमें क्या है, हम इधर लिखेंगे फर्स्ट वी यूज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड सेकेंड we use law of साइंस। दूसरा आप यूज करेंगे लॉ ऑफ साइंस, ये इसको पहचान है। पेपर में कोई भी 12th चैप्टर में से क्वेश्चन आता है पहचान है, आप उसको देखेंगे जी। ओके जी,